बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसे लेकर सरकार ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी सहारा ले रही है। इसका कितना असर हो रहा है, इस पर बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि इससे शराब माफियाओं पर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव पड़ा है, उनके अंदर भय बैठा है। दूर दराज के इलाकों में इसका काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से कई बड़े शराब माफिया पकड़े गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शराबबंदी में पकड़े गए लोगों का ट्रायल जल्द करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें सजा मिल सके। वहीं शराबबंदी कानून में हुए संशोधन पर सुनील कुमार ने कहा कि कोर्ट पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया था, जो कम हो सके पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने वाले व्यक्ति पर आर्थिक दंड लगाकर उसे छोड़ दिया जाएगा। हमारा मुख्य केंद्र शराब माफिया है, राज्यों से पकड़ाए हैं और देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल में और तेजी आए और उस ट्रायल में उन केसेस पर हम लोगों ने ध्यान दिया है जहाँ पर जहरीली शराब के कारण मौतें हुई थी या फिर वैसे बड़े माफिया जो दूसरे राज्य के हैं उनका हम लोग ट्रायल करके उन्हें सज़ा दिला सकें। लेकिन बताना चाहेंगे कि दूसरे राज्य के लोगों को भी सज़ा हुई है, खास करके हरियाणा पंजाब के लोग। सर ड्रोन कानून में हम लोगों ने संशोधन किया है, उसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो कोर्ट पर जो कार्य बोझ है वो थोड़ा कम हो सके ताकि जो पहली बार शराब पी करके पकड़ाता है उसका दंड आर्थिक दंड देके वो छूट जाए। और दूसरी बात है कि हमारा सारा जो फोकस एनर्जी है वो जो माफिया किस्म के लोग हैं या सप्लायर हैं मैन्युफैक्चरर हैं उन पर ध्यान केंद्रित हो सके, वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इसका निश्चित रूप से आंकड़ों के संबंध में एक दो महीना लगेगा कि 3 महीने में इसका क्या सकारात्मक प्रभाव आया है, इस संबंध में हम लोग पुनः सूचित करेंगे आंकड़ों के साथ। कोई बड़े मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा है और दूर दराज के इलाकों में इसके काफ़ी अप्रत्याशित सफलता भी मिली है, तो उसका तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है क्योंकि पुलिस तो जब पहुंचती थी या एक्साइज के पदाधिकारी तो दूर से नज़र आ जाते थे कि रेडिंग पार्टी आ रही है, तो अब इसमें कुछ इजाफा ज़रूर हुआ, हम लोग को फ़ायदा हुआ है।